बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का मैक्रोनी, जो कि बहुत आसान है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चिकन के पीसेस लेने हैं। इसमें 1.5-2 गिलास पानी डाल के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसके साथ काली मिर्च और नमक बिल्कुल थोड़ा सा, और इसके अंदर हम ये टिक्का सीख कबाब का हम तकरीबन जो है वो 1 चम्मच डालेंगे, बस फ्लेवर के लिए ना। यहाँ पे अलग से पैन के अंदर मैंने जो है वो लहसुन को हल्का सौते कर लिया है, टमाटर डाले हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी कुटी हुई मिर्च, और ये सीख कबाब का जो मसाला है ये भी बस आधा चाय का चम्मच। इसको हमें अच्छा भुनना है यहाँ तक कि टमाटर पूरे गल जाएँ। टमाटर गल जाएंगे तो हमारा मसाला ही भुन जाएगा। इसके साथ मैंने हरी प्याज की जो प्याज होती है वो ऐड की है, गाजर डालें, गाजर बारीक बारीक काटें ताकि जल्दी गल जाएँ। गाजर गल गए, यहाँ पे हमने बैंगन गोभी डाली है, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने कॉल्सन का पास्ता लिया है, पैकेट पे दिए हुए तरीके से आप जो इसको बॉईल कर लें, जो भी मेथड दिया हुआ है उसके ऊपर। बस हमने इसको निथार लिया पानी डाल के। यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड की है, चिकन हमारी हो गई थी बॉईल, हमने उसको जो है वो रेशा कर लिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च हो जाएगी तो फिर हम चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। साथ ही बॉयल पास्ता भी डाल देंगे, थोड़ा सा केचप और हरी प्याज, बस मिक्स कर दें। हो गया तैयार। तैयार है हमारी मज़ेदार सी जो है वो टिक्का मैक्रोनी। आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये कैसे बनी है। अल्लाह हाफिज़।